उधर कसूर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है और 3 माह से हेपेटाइटिस की मुफ्त अद्वियात और लेबोरेटरी टेस्ट की सहूलियात खत्म होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और अब मरीज प्राइवेट अस्पतालों से महंगा इलाज कराने पर मजबूर हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद कसूरी। जी अता, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में मौजूद हैं और आपको मैं ये बताता चलूं कि हुकूमत की जानिब से एक तरफ सेहत जो कार्ड है वो फराहम किए जा रहे हैं, जिस पर 7 लाख रुपए तक की अमाउंट का जो इलाज मुआवजा है वो प्राइवेट अस्पतालों में दस्तियाब होगा, मगर उसके साथ साथ जो हुकूमत के अस्पताल हैं उन्हें जानबूझ कर जो है वो सहूलियात से महरूम किया जा रहा है। अगर हम बात करें, ये मेरे अकब में जो है वो हेपेटाइटिस का सेंटर मौजूद है और यहाँ पर गुज़िश्ता कई माह से जो मरीज़ हैं हेपेटाइटिस में मुबतला, जिनकी अद्वियात यहाँ से शुरू गवर्नमेंट ने की थी और उनका इलाज मुआवजा जारी था, कई माह से अद्वियात जो है वो ना होने के बायस मरीज़ जो हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और उसके साथ साथ यहाँ से हेपेटाइटिस के PCR व दीगर जो टेस्ट हैं वो भी लाहौर में भिजवाए नहीं जा रहे। जो जली और तहसील अस्पताल हैं वहाँ पर लाखों जो मरीज़ यहाँ इलाज मुआवजा के लिए इन अस्पतालों का रुख करते हैं, उनकी उनके लिए भी जो है हुकूमत को अमली तौर पर जो वो इकदामात हैं वो करने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका आता मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे कसूर से। चिन्योर का रुख करेंगे, वहाँ DHQ